बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। आजम सवाती, असद कैसर, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर भी इलेक्शन से बाहर। दूसरी जानब नवाज शरीफ के एन ए 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। मरीम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक के कागजात मंजूर हुए। अलीम खान, जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, इब्रारुल हक के भी कागजात मंजूर। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार को पीपी 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एन ए 122 से सरदार लतीफ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात मंजूर। फारूख सत्तार, अलीम आदिल शेख, सादिक इफ्तिखार के कागजात मंजूर। मीर सरफराज बुगती, शाहजैन बुगती के कागजात मंजूर। उधर बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल के एन ए 264 से कागजात मुस्तरद। भक्कर से बानी पीटीआई के दो कजन के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बानी पीटीआई के तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा के कागजात मुस्तरद हुए। और पंजाब में बच्चों की मौजें, स्कूल से मजीद छुट्टियां हो गई। पंजाब हुकूमत का सर्दियों की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। सख्त सर्दी और धुंध के पेश नजर स्कूल में तातीलात में तौसी कर दी गई।